कर रहा हूँ, ट्रिपल तलाक का कानून लेकर आओ। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके पास जब आपकी सरकार से पूछा जाता है, अरे इकोनॉमी बर्बाद हो गई, नौकरियां नौजवानों को नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट 6% हो चुका, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के एक वजीर मोहतरम जनाब रविशंकर प्रसाद कल मुंबई जाकर जब किसी जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि हिंदुस्तान की इकॉनमी, हिंदुस्तान की माशियत, जीडीपी गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है, तो फौरन हिंदुस्तान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री ने कहा, क्या बात कर रहे हैं, तीन पिक्चर रिलीज हुई। उन्होंने कहा कि तीन पिक्चर रिलीज हुई और तीनों पिक्चरों ने 120 करोड़ का बिजनेस किया। नौकरियों की बात हो रही है, जीएसटी से बर्बादी आ गई, नोटबंदी से किसान परेशान, छोटे कारोबार करने वाले परेशान। इनके मंत्री कहते नहीं नहीं सब अच्छा है, तीन पिक्चर ने 120 करोड़ का बिजनेस किया। अच्छा ये तो बता दो कि पूरे मुल्क में पिछले साल 800 पिक्चर रिलीज हुई और सिर्फ 5 पिक्चरों ने 100 करोड़ का धंधा किया। मैं उस मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर भी पिक्चर बनी थी, वो क्यों फ्लॉप हुई, बता रहा हूं कितना पैसा कमाया उस पिक्चर ने, कितना पैसा कमाया नरेंद्र मोदी की जो पिक्चर बनी थी। शौचालय होगा, बैतुल खड़ा होगा, तो वहां पर अगर 25 लोगों की लाइन है लोटा लेके, तो ये बोल रहे देखो कोई भूखा नहीं सो रहा, सब जा रहे बैतुल खड़ा को। ऐसा हो सकता क्या, बोलो आप? अरे नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मंत्री जी बोल रहे तीन पिक्चर 120 करोड़ का धंधा किए, तो ऐसा हो गया कि अगर कोई सुबह बैतुल खला में लोटा लेके बैठा है या फिर खेतों में बैठा है, तो मैं तो ये देखकर नहीं बोल सकता ना कि देखो इसने रात में खूब दबाकर बिरयानी खाई होगी। अजीब और गरीब बात है ये, गरीबों का मजाक है, बेरोजगारों की गुर्बत का मजाक कर रहे हैं मंत्री जी आप। आपको लगता होगा अपने महलों में बैठकर, मुंबई में बैठकर आपने तीन पिक्चर की बात कर दी कि तीन पिक्चर 120 करोड़ का कारोबार किए, क्या बात है? आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या हिमाचल की हुकूमत कर रही है मेरे अजीज। ये तो ऐसा है कि रावेर में अगर कोई शौचालय होगा, बैतुल खला होगा, तो वहां पर अगर 25 लोगों की लाइन है लोटा लेके, तो ये बोल रहे देखो कोई भूखा नहीं सो रहा, सब जा रहे बैतुल खला को। ऐसा हो सकता क्या, बोलो आप? अरे नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मंत्री जी बोल रहे तीन पिक्चर 120 करोड़ का धंधा किए, तो ऐसा हो गया कि अगर कोई सुबह बैतुल खला में लोटा लेके बैठा है या फिर खेतों में बैठा है, तो मैं तो ये देखकर नहीं बोल सकता ना कि देखो इसने रात में खूब दबाकर बिरयानी खाई होगी। अजीब और गरीब बात है ये, गरीबों का मजाक है, बेरोजगारों की गुर्बत का मजाक कर रहे हैं मंत्री जी आप। आपको लगता होगा अपने महलों में बैठकर, मुंबई में बैठकर आपने तीन पिक्चर की बात कर दी कि तीन पिक्चर 120 करोड़ का कारोबार किए, क्या बात है? आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या हिमाचल की हुकूमत कर, लाख की बात करने वाले वजीर आजम, महाराष्ट्र में आपने दो
आरक्षण दो, जब मराठाओं को दिया तो गरीब मुसलमानों को दो, इनका जवाब आएगा नहीं, मजहब के नाम पर नहीं मिल सकता। अरे हम मजहब के नाम पर नहीं पूछ रहे, हम अपने पिछड़ेपन के नाम पर पूछ रहे कि यहाँ पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उनके वालिद कई मर्तबा 30-35 साल यहाँ के मेले रहे, तालीमी इदारे खोले, अपने घर के लिए खोल दिए, यहाँ पर इस विधानसभा में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमानों के लिए 11वीं और 12वीं जमात के बाद उर्दू में तालीम हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो पुलिस के लोग परेशान, इंस्पेक्टर परेशान, पीआई परेशान, वो बोला कि क्या है तुम्हारा मसला। उसने कहा ये औरत वो भी 3 मर्तबा में एक ही मर्तबा का कर, बहरहाल वो ले जाकर उसको जेल में डाल दिए, 15 दिन के बाद उसको बेल हो गई। बताओ फिर उस औरत का क्या होगा। हम क्या कह रहे थे कि हमारे मुल्क में कानून है जिसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, उस कानून के जरिए औरत को पैसे भी मिलते हैं, घर में रहने का हक भी मिलता है और शादी टूटती भी नहीं है। आप यहां पर ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि 3 तलाक देने पर भी शादी नहीं टूटती, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम कानून बनाकर शादी को शादियों को बर्बाद करना चाहते हैं, औरतों को ना इंसाफी मिलेगी। और हमारा मानना यह है कि माशरे की बुराइयां कानून से खात्मा नहीं होती। हिंदुस्तान के वजीर आजम आप जानते हैं कि हमने इस मुल्क में कानून बनाया कि चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हमने कानून बनाया, आज भी हमारे मुल्क में चाइल्ड मैरिज होती है। मैं वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जरा बता दीजिए, इन चाइल्ड मैरिज में मुसलमानों का शेयर कितना है बता दो आप। मेरे भाई आज हमारे वतन अजीज में, प्राइम मिनिस्टर में वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है कि वो ऐसा कानून बनाए। हमारे देश में 34 लाख शादीशुदा महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं मगर अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ, अपने शौहर के साथ नहीं रहती। हिंदुस्तान के वजीर आजम आप क्यों नहीं उनके लिए कानून बनाते, बनाइए ना कानून जो खातून, जो महिला अपने शौहर के लिए करवा चौथ रहती है उसको भी काइश है कि आकर अपने शौहर के घर में रहे, मगर आप कानून नहीं बनाते उन महिलाओं के लिए। 3 तलाक की बात करने वाले वजीर आजम, महाराष्ट्र में आपने 2 आरक्षण दो, जब मराठाओं को दिया तो गरीब मुसलमानों को दो, इनका जवाब आएगा नहीं, मजहब के नाम पर नहीं मिल सकता। अरे हम मजहब के नाम पर नहीं पूछ रहे, हम अपने पिछड़ेपन के नाम पर पूछ रहे कि यहाँ पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उनके वालिद कई मर्तबा 30-35 साल यहाँ के मेले रहे, तालीमी इदारे खोले, अपने घर के लिए खोल दिए, यहाँ पर इस विधानसभा में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमानों के लिए 11वीं और 12वीं जमात के बाद उर्दू में तालीम हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए खिलाफ है कि अगर कोई मुस्लिम मर्द अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता है तो कोर्ट में जाकर उस औरत को साबित करना पड़ेगा कि हाँ इसने मुझे 3 मर्तबा कहा था। कौन औरत के हक में आकर बयान देगा। हर समाज का देख लो आप, यकीनन औरत पे जुल्म होता मैं मानता हूं, मगर कानून ऐसा बना रहे कि मर्द छूट कर भाग जाएगा। कौन कोर्ट में आकर बोलेगा। मैंने एक केस को देखा, किसी एक रियासत में कानून बनने के बाद उस शख्स को गिरफ्तार करने पुलिस गई। और बुजुर्गों मैं आपसे अपील करने के लिए खड़ा हूं कि महाराष्ट्र में हजारों किसानों ने 5 साल में कृषि की, आज हिंदुस्तान के वजीर आजम महाराष्ट्र में आकर इंतखाबी मुहिम में कहते हैं
कि मैं अपोजिशन पार्टी को चैलेंज कर रहा हूं कि क्या वो ट्रिपल तलाक के कानून को दोबारा लाएंगे। हिंदुस्तान के वजीर आजम सुन लो आप, हिंदुस्तान के मुस्लिम अकलियतों का मसला ट्रिपल तलाक नहीं है। अगर आप मुस्लिम खवातीन से इंसाफ करना चाहते ना मिस्टर मोदी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप क्या महाराष्ट्र में वो मुसलमानों की 55 बरादरियां जो पिछड़े हुई है, क्या आप उनको आरक्षण देंगे? जिस तरह आपने मराठाओं को आरक्षण दिया, जब आप अपनी जबान से बड़े फकर से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है कि मराठाओं को आरक्षण मिल सकता है और महाराष्ट्र के उन मुसलमानों में 55 जात बरादरियों को नहीं मिलता, जो हर एतबार से समाजी तालीमी तहजीबी तौर पर दलितों के बराबर हमारा वो मुकाम पहुंच चुका है। मगर बीजेपी इंसाफ की बात तो करती है, मगर जहां पर लफ्ज मुसलमान आ जाता बीजेपी इंसाफ की बात भूल जाती है। हिंदुस्तान के वजीर आजम ट्रिपल तलाक के नाम पर आप वोट हासिल करना चाह रहे हैं, तो बताओ मुझे महाराष्ट्र में तुम एक मुस्लिम खातून को टिकट दे देना था और कहना था देखो ये मेरी पीड़ित मुस्लिम महिला है जिसको ट्रिपल तलाक मिला, तुम इसके हाथ में वोट दे दो। हिंदुस्तान के वजीर आजम आपने एक मुस्लिम महिला को उम्मीदवार नहीं बना सके और आप बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर है। मैं जानता हूँ आपकी जुमलेबाजी बहुत ज्यादा है, क्या ट्रिपल तलाक का कानून बन गया? मैं बार बार पार्लियामेंट में पुकार कर कहता रहा कि जब तक जिंदा रहूंगा इस कानून की मुखालिफत करता रहूंगा। इसलिए एक और बात जो मुझे यहाँ पर मालूम हुई कि अगर अप्रैल खास तौर से अप्रैल और मई के महीने में गैर मौसमी बारिश होती है और हमेशा उस गैर मौसमी बारिश की वजह से जो केले या केड़ी की फसल होती है वो खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, ये अजीब चीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि यहाँ से 25-30 किलोमीटर के फासले पर मध्य प्रदेश है, वहां पर अगर ये फसल खराब होती है तो 1 हेक्टर पर 1,00,000 रुपये उनको कंपनसेशन दिया जाता है। और महाराष्ट्र जैसी बड़ी रियासत जो पूरी दुनिया में पूरे वतन में ये मशहूर है कि यहाँ पर तमाम चीजों की पैदावार होती है, यहाँ पर सिर्फ 18,000 रुपये दिए जाते हैं। ये अजीब गरीब ना इंसाफी, पड़ोसी रियासत में 30 किलोमीटर पर 1,00,000 और यहाँ पर सिर्फ 18,000। मजलिस इस बात का मुतालबा करती है और लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला कि जिस तरह पड़ोसी रियासत मध्य प्रदेश में 1,00,000 का कंपनसेशन मिलता है तो महाराष्ट्र में भी इंशाअल्लाह ताला किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। मुझे जानकर बड़ा अफसोस हुआ और शायद हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार मेरा इस सवाल का जवाब भी देंगे, ये मधुकर शुगर फैक्ट्री तो मेरी नहीं है, छत्तीस महीने से वहां पर जो गन्ना दिया गया उसकी कीमत अभी तक नहीं मिली। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि किसानों को 36 महीने से उनका पैसा नहीं मिला तो ये बाप का बेटा इलेक्शन कैसे लड़ रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी अहम बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ है कि आपका ये शहर का हिस्सा रावेर के सभी हल्के में आता है और ये हिंदुस्तान की वो खसूसी जगह है जहां पे पूरे मुल्क में अगर 50% केला या केड़ी की पैदावार होती है तो आपके जलगांव जिले में होती है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी तकलीफ भी महसूस होती है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार
दिल्ली के तट पर बीजेपी की सरकार, उसके बावजूद भी केले और केरी को फ्रूट की कैटेगरी में नहीं डाला जाता और अंगूर को डाला जाता है, जिससे यहाँ के किसान जो केली की पैदावार करते हैं उनको इससे बहुत बड़ा एक तकलीफ होती है, एक फाइनेंशियल माशी तकलीफ उनको उठाना पड़ता है और इसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नवंबर दिसंबर के महीने में जब सरमाई या विंटर पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, मैं पार्लियामेंट के सेशन में मैं या इम्तियाज जलील इस मसले को उठाएंगे कि केले और केरी को भी फ्रूट की कैटेगरी में डाला जाए और हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करेंगे कि इस केले और केरी से जो कई बाई प्रोडक्ट बनते हैं, इससे जो पाउडर बनता है, इसका भी हुकूमत एक रिसर्च करे, सहूलतें मुहैया कराए ताकि इसका हम फायदा उठा सके और यहाँ के किसानों को इससे भरपूर फायदा मिल सके। पहले जो कर्जा है उसको अदा करना रहा, उसके बाद इलेक्शन लड़ना। आप किसानों को 36 महीने का बकाया देना बाकी है और आप रावेर में दूल्हा बनने की कोशिश कर रहे हैं।